चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम ये सिर्फ अपने कारकुनों को खुश आमदानी करने के लिए लगभग खुशी करने के लिए उन कर्नल का आए पड़ता, पब्लिक के लिए आवाम के भलाई के लिए आए नहीं। और दूसरा, पूरे आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की आबादी कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है। पिछले एक महीने से NRC CAA और NPR के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जदोजहद करते हैं, नारे लगाते हैं, हुकूमत के खिलाफ गालियां देते हैं। चीफ मिनिस्टर और लोकल MLA को हमें अपील कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ कह रहे हैं कुछ ना कुछ ऐलान करो NRC के बारे में, मगर NRC के बारे में ऐलान करने का नहीं, असल एक बात भी एक लफ्ज भी यूज़ न करें। उसने हमें लोकल MLA को डिमांड करते हैं तुम इस्तीफ़ा दे देना, क्योंकि तुम्हें मुसलमानों के वोटों से जीते हैं यहाँ। चीफ मिनिस्टर को एक बात आवाम मुसलमान बहुत TV में ठहर के देखे हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे लिए क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ खुशखबरी आती क्या बोल के देखें, मगर एक बात भी यूज नहीं करे सरकार। चीफ मिनिस्टर कर्नूल शहर छोड़कर जाना ये बहुत बुरी बात है, ये हमारे लिए दिल दुखी बात है। इसलिए अभ्युदय में CPM पार्टी की तरफ से जो YSR कांग्रेस पार्टी के जो MLA हैं, 14 MLA यहाँ की आवाम जिताई है, 2 MP जिताई हैं, मारे ये जिला को क्या दिया, हाई कोर्ट बोल के ऐलान करें यहाँ वो उसका सही है नहीं करने का भी हम मालूम है, एक लफ्ज़ भी यूज नहीं करा तो आता है नहीं आता डाउटफुल है। इसलिए हमें CM का प्रोग्राम, ये फेलूर प्रोग्राम, ये आवाम का पैसा खर्चा करने का प्रोग्राम छोड़ दो, आवाम को कुछ भी क्या भी नहीं हुआ। आने वाले दौर में ऐसा नहीं हुआ सरकार, देखने की जिम्मेदारी यहाँ के लोकल के अफसरों की रहती है और उनके पार्टी लोगों को भी रहती है। अगर चाहे ऐसा नहीं भी है तो, क्योंकि फर्स्ट टाइम आने की वजह से हम कुछ भी जदोजहद नहीं करे, आइंदा अगर जो चीफ मिनिस्टर कर्नूल शहर को आया तो मुँह तोड़ जवाब देने के लिए कर्नूल शहर के पब्लिक तैयार है। చంద్రబాబు నాయుడు, రాజశేఖర రెడ్డి, గతంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రులందరూ సమయం ఇస్తారు, ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా ఈ ముఖ్యమంత్రులు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, ఏం రాలే ఏ ఒక్క సమస్య ఇయర్ తర్వాత ఆఫ్టర్ ముఖ్యమంత్రి హోదాలు కర్నూలుకు వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఆయన పర్యటించాలి ఈ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి పర్యటనతో ఈ జిల్లాకు ఒరిగింది ఏమిటి ఏముంది నిర్మాణ